सिरोही का एक ऐसा मंदिर जो प्राचीन तो है लेकिन लंबे समय से यहाँ पूजा अर्चना नहीं होती। एक ऐसा मंदिर जिसका बहुत पुराना इतिहास है लेकिन अभी इसकी ये हमारी उदासीनता का शिकार हुआ है। ये श्री शाह जी की वाड़ी, सिरोही में एक बहुत फेमस नाम है शाह जी की वाड़ी, और इसका एक बहुत बड़ा इतिहास। लेकिन इस मंदिर को आज हम दो तीन कारणों से देखना चाहेंगे, क्योंकि ये एक विरासत के रूप में हम इसको देख सकते हैं। हर मंदिर में सामान्यतया किसी देव की प्रतिमा होती है, लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ चरण पादुकाएं हैं। हम नमन करते हैं इन पादुकाओं को, जो जो आस्था का प्रतीक है, और इनके इनके बारे में हम ज़्यादा कुछ इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि जितनी जानकारी हमको मिली है आज हम उतनी जानकारी के हिसाब से आपको बताएंगे। ये पादुकाएं हैं इस मंदिर में, या यूं कहें कि ये मंदिर का मुख्य भाग है। यहाँ हम देखें तो कुछ प्राचीन हमको समझने के लिए कुछ ऐसा देखिए आप, हम देखिए इसको देखें तो ये कुछ संकेतात्मक ये मंदिर, इनको देखकर तो लगता है कि ये काफ़ी प्राचीन है। हम और इस गुंबद को देखें, लेकिन एक विडंबना दिख रही है कि इस मंदिर को इस तरह से कैसे छोड़ा हुआ है। ये इस रहस्य को आज हमने यहाँ श्री देवाराम जी हैं उनसे बात की, तो वो बता रहे थे कि पिछले 60-70 साल से इस मंदिर को वो इसी रूप में देख रहे हैं। ये एक छोटा सा दरवाजा जो हम इस मंदिर में देख रहे हैं, ऐसा ही दरवाजा इस मंदिर के मुख्य द्वार पर था। ये जो बड़ा दरवाजा अभी दिख रहा है, ऐसा दरवाजा नहीं होकर इस मंदिर का ऐसा दरवाजा था। हमको देव दर्शन के माध्यम से, देवनगरी के देव दर्शन के माध्यम से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, और जब हमने हम एक और थोड़ा सा अगर इसके अंदर झांकने की कोशिश करें तो हमको जरूर कुछ बातें और दिख रही है। और ये हम देखें, मैं सभी को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनके हमको, चूंकि हमको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। मैं पिछले कई दिनों से इस बारे में जब चिंतन कर रहा था तो यहाँ श्री देवाराम जी और श्री भीख सिंह जी भाटी साहब ने कुछ बातें बताई कि इस मंदिर का के बारे में ऐसा मानते हैं कि जति होते हैं जैन समाज में, और जतियों के द्वारा इस मंदिर को आकाश मार्ग से उतारा गया था। बात कितनी सच्ची है इसके तो इसके बारे में तो हम केवल सोच ही सकते हैं। लेकिन मैं आप देवराम जी, मेरा निवेदन रहेगा जो आपने आज जानकारी दी वो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। इस मंदिर के बारे में आप कुछ कह रहे थे भट्टी साहब, आपने भी बताया अभी, आप क्या इस मंदिर का क्या इतिहास बताते हैं? सुना होगा आपने, ऊपर से आया हुआ कहते हैं, ऊपर से आया हुआ मंदिर ये महाराज साहब ने उतारा, ये ऐसा हम सुनते आए हैं। ठीक बात है, क्योंकि लगता है सैकड़ों साल पुरानी कहानी है। मतलब मैंने मेरे मतलब 60-70 साल के, मैं 10 साल का था जब मुझे मालूम है। हाँ मतलब 10 साल का था। हाँ उसके बाद में अभी 55 मैं 70 का हो गया हूँ। जी तो अभी उसके दरमियान में जानकारी यही मिली है कि ये मंदिर आकाश मार्ग से जा रहा था और इसको उतारा गया।
राजनीति ऐसा सुनने में आया। ठीक है ठीक है। और भाटी साहब आप क्या कह रहे थे कि हाँ गणगौर आदि की और फिर बावड़ी ये हम एक बार देखें और मैं इसके बावड़ी को भी आपको अंदर से दिखाने का एक बार प्रयास करूंगा। लेकिन ये देखिए कि इस मंदिर की जो अगर हम गुंबद को और तमाम चीजों को देखें तो एक चिंता तो होती है कि मंदिरों में अक्सर पूजा होती है। बहुत अच्छी बात बताइए आप आइए सर प्लीज। आपका शुभ नाम क्या है? अतुल जैन है। अतुल जैन साहब ये बहुत अच्छा सहयोग रहा है कि मैंने देखा है यहाँ ऋषभ देव भगवान का मंदिर है और वहाँ पे संत शिरोमणि जगत गुरु श्री हीर सुरेश्वर जी महाराज ने वहाँ माँ सरस्वती के मंदिर में साधना की थी और ये पगले उनके हैं ऐसी जानकारी हमको आपने दी है। मैं पुनः एक बार उन पगलों को नमन करता हूँ। ये एक चलिए एक शुक्र बात है। आपका क्या नाम बताया? अतुल जी जैन साहब आप यहीं विराजते हैं और ये बड़ी बात है कि क्योंकि अक्सर मंदिरों में हम देखते हैं कि मूर्ति होती है लेकिन यहाँ एक संत को समर्पित है ये, तो क्या ये वो बात तो 400-500 साल पुरानी है, हीर सुरेश्वर जी का इतिहास तो इस तरह का बताता है, तो वो यहाँ उनका पगले किस तरह से हो सकते हैं, क्या आपको क्या कुछ इतिहास की जानकारी है? अच्छा स्थापित तो पता नहीं, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हम जितना जानते हैं ये पगले उनके हैं। ठीक है ठीक है। एक सवाल उठता है कि यहाँ लगता है पूजा अर्चना नहीं होती, होती है दो तीन साल से नहीं होती। चलिए चलिए तो हमको ये कुछ इस बारे में एक बार चिंतन किया जा सकता है। लेटचंद जी का पैरू हो गया था वो पुजारी ने मतलब उसके बाद पुजारी भी तो चलिए हम एक पहल कर सकते हैं, पूजा अर्चना होनी चाहिए क्योंकि मंदिरों की पूजा तो होनी चाहिए। ये ऐतिहासिक है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है और श्री हीर सुरेश्वर जी महाराज साहब के ये पगले हैं इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ मैं इस मेरी वाणी को विराम करता हूँ लेकिन ये देव दर्शन की सीरीज के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि ये पास में एक बहुत प्राचीन बावड़ी भी है सरजा वाव जिसके पानी का उपयोग पहले होता था। इसी के साथ अतुल जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस अहम मौके पर हमको ये बताने की कोशिश की, ये बताया कि ये पगले किनके हैं क्योंकि बिना जानकारी के हम कुछ बता नहीं सकते थे। और श्री देवाराम जी और ये देखिए ये जरूर इन मंदिरों के पीछे जो इतिहास छिपा है वो इसके ऊपर ही मालूम पड़ता है। हाँ 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 ठीक है। चलिए इसी बात के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और मालूम पड़ता है। हाँ ठीक है हाँ ये दो चीजों से लेकिन हम इसकी पुनः पूजा करनी चाहिए, ये ध्वजा है। चलिए ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद और इसी के साथ मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार।